नमस्कार दोस्तों, आज हम चीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए हम सामग्री देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लगती है। ये पीला दूध है गाय का, आधा किलो, और ये गुड़ उसमें डालने के लिए, और ये सौंठ। आप चाहे तो इसमें दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन ये दूसरे दिन का है इसलिए हम इसमें दूध नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आधा किलो दूध लिया है गाय का, इसमें हम ये गुड़ मिलाएंगे। गुड़ आप अपने स्वाद के अनुसार भी मिला सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें गुड़ ही पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा इसमें गुड़ अच्छे से हमारा मिल चुका है। अब हम इसमें सौंठ डालेंगे, इसमें सौंठ ही अच्छी लगती है। आप चाहे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर हम तो सौंठ डालते हैं इसमें। इसमें स्वाद, सौंठ का स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये सूखा हुआ अदरक है, ये कोई भी दुकान में अच्छे से आसानी से मिल जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। कढ़ाई पे पानी डालेंगे इस तरीके से, और इसमें ये रख देंगे। और जो ये हमने घोला था दूध, इसको रखेंगे इसमें इस तरीके से। और इसमें एक प्लेट डाल देंगे, इस तरीके से ढक देंगे प्लेट से। और जो कढ़ाई की बिल्कुल अच्छे से ढका जा सके इस तरीके से, एक और बर्तन इसमें हम कढ़ाई में ढकेंगे। और इसे तेज फ्लेम में थोड़ा सा पकने देंगे। इसे हम खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए, गैस को हमने मंद कर दिया था। इस प्लेट को भी हटाएंगे और इसमें एक ऐसी इस प्रकार की टूथपिक लेंगे और इसमें इसमें डालकर चेक करेंगे। ये अभी साफ नहीं निकली है, इसका मतलब ये अभी अच्छे से नहीं पका है। इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। चलिए, गैस को धीरे कर देंगे और फिर से एक बार चेक करेंगे इसको। इस तरीके से ये टूथपिक रखे, ये एकदम खड़ी हो गई है और ये बिल्कुल साफ निकली है। इसका मतलब ये पूरा पक करके तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल नहीं गिर रही है। ये हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये हमारी पेहुसरी बन करके तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, खाइए और खुश रहिए।